तरह से मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए और भी मैं बना लूँगी और रेडी कर लूँगी यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कई सारे पेटल्स के लिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं वैक्स से। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखिए दिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे का जो बेस बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर हाफ कर लिया है। ये आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा फॉइल पेपर ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 4 इंच जो हमारे साइज में आएगा ये, तो मैं इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करके ले रही हूँ। और एक आप कोई भी छोटी कटोरी हो सकती है आपके पास, या कोई ढक्कन ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर जो बोतल का ढक्कन होता है वो लिया है और इसको इस तरह से मैंने गोल शेप देने के लिए इस तरह से इसके अंदर फॉइल को लगा लिया था। और अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए जितना ऊंचाई आपको यानी गहराई देनी है आपको अपने दिए में उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ पर पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये हमारी एक बाउल टाइप में बन जाएगा यहाँ पर, ताकि हमारे जो हम दिया बनाएंगे वो आसानी से बन जाए। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पर ये जो हमारी वैक्स की कैन जो हमने बनाए हैं शेप दी है इनको हम यहाँ पर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर, और ये एक हम लेंगे कैंडल के अंदर की जो हमारी जो ये धागा होता है इसको ले लिया है इसी में हमने। तो अब हम यहाँ पर गरम वैक्स लेते हैं और पहले हम उसे यहाँ पर इस तरह से इनको लगा लेंगे। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं इनको। तो इस तरह से मैं इनको सारी साइड में इस तरह से लगा लूँगी और एक ये बहुत सुंदर फ्लावर जो हमारा दिया है वो बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल ये हमारे 7 जो पेटल्स हैं बनाई हैं इसकी जो हमारे, तो उनको मैंने इस तरह से लगा लिया है। और जो गरम वैक्स था उसको अंदर हम इस तरह से डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसके बीच में फिर हम यहाँ पर